हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने वाले हैं पहला टॉपिक पहले चैप्टर का, दैट इज बिजनेस एक्टिविटीज, क्योंकि हमारा पूरा सिलेबस क्लास 11th का इसी वर्ड पर बेस्ड है, दैट इज बिजनेस। तो व्हाट इज बिजनेस, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल शुरू में ही इस वर्ड की डिटेल्स आप अच्छे से समझ लेंगे तो आगे के टॉपिक समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है, चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स की लिस्ट आपको दे दी है सीबीएसई करिकुलम के हिसाब से कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं इस चैप्टर से। और इसके अलावा मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी शेयर की हैं आपसे, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताया है कि इस सब्जेक्ट को कैसे अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है, कौन सी किताब आपको फॉलो करनी है, किस तरह से नोट्स बनाने हैं, क्या हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है, एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, टाइपोलॉजी ऑफ द क्वेश्चंस क्या होती है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो लेक्चर्स। तो अगर आपने फर्स्ट टू लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उन्हें देख लीजिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे की एक्सप्लेनेशंस जो हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचती रहें। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स और शुरू करते हैं डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म बिजनेस एंड इट्स स्कोप। बच्चों, मैंने आपसे लास्ट वीडियो लेक्चर में भी एक क्लासिफिकेशन चार्ट शेयर करा था, वो दोबारा मैंने यहाँ पर बनाया है ताकि फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लें और बिजनेस के मीनिंग और उसके स्कोप को अंडरस्टैंड कर लें। लेकिन इस क्लासिफिकेशन चार्ट को डिस्कस करने से पहले या बिजनेस की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपके साथ कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों किताबों से ज़्यादा हम अपनी सराउंडिंग से सीखते हैं, तो जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं उनसे हमें जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उसके बाद जो किताबों में जो टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है वो हमारे लिए समझना बहुत ही आसान हो जाता है। तो बिजनेस का मीनिंग और उसके स्कोप को समझने के लिए आप इमेजिन करिए कि आप घर से स्कूल के लिए निकल रहे हैं और एक एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठाते रहिए कि आपने पहले क्या करा, फिर क्या करा, आप स्कूल कैसे गए, बस से गए या कार से गए, घर से स्कूल तक के रास्ते में आपने क्या क्या देखा, इन सब चीज़ों को विजुअलाइज करिए और एक पेन और कॉपी लेकर आप अपने पास उसे नोट करते रहिए। मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि मेरे घर से स्कूल तक के रास्ते में मुझे क्या क्या दिखाई देता है, मेरे घर के बाहर क्या क्या चीजें हैं, किस तरह की शॉप्स हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है कि सपोज मैं अपने घर से निकली और मुझे स्कूल जाना है, तो सबसे पहले जब मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो एक मंदिर है वहां पर, उसके बाद कुछ वेजिटेबल और फ्रूट सेलर्स जो हैं वो मुझे दिखाई देते हैं, जो ठेले पर, कार्ट पर या उनके कोई छोटे से स्टॉल्स हैं उस पर वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेचते हैं, एक प्रेस करने वाला सामने अपना स्टॉल लगाता है, फिर उसके बाद हमारे घर के सामने एक छोटी सी मार्केट है, लोकल मार्केट है, जहां पर एक केमिस्ट शॉप है, एक टेलर की दुकान है, एक जनरल स्टोर है जहां से ज्यादातर मैं सामान खरीदती हूँ, एक सैलून है वहां पर, एक ऑप्टिकल्स की शॉप है, एक स्टेशनरी की शॉप है, एक डेंटल क्लिनिक है, और थोड़ा आगे जाकर एक बड़ा सा हॉस्पिटल है हमारे घर के पास, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है और कुछ रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन जगहों पर क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है। अगर मैं बात करूँ टेम्पल की, तो टेम्पल में बहुत सारे लोग जो है वो पूजा करने सुबह सुबह जो है भगवान को याद करने के लिए जाते हैं, और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर टेम्पल के अंदर और टेम्पल के बाहर वर्शिप कर रहे होते हैं। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेलर्स जो हैं वो क्या बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स बेच रहे हैं और फ्रूट्स बेच रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द गुड्स, ये जो है ईटेबल आइटम्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। फिर उसके बाद जो आयरनिंग स्टॉल है जो कपड़ों पे प्रेस करता है
वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो गुड्स नहीं बेच रहा है, वो लोगों के कपड़ों को प्रेस करके उनके घर में साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहुंचाता है। फिर जो केमिस्ट शॉप है वो मेडिसिंस में या और भी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं इस तरह के गुड्स को वो बेचता है। फिर उसके बाद जो टेलर शॉप है वो भी क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो लोगों के कपड़े सही कर रहा है या स्टिच करता है। फिर एक जनरल स्टोर है जहाँ पे कई तरह के जो हैं वो गुड्स, ईटेबल आइटम्स या कन्फेक्शनरी आइटम्स या डे टू डे यूज़ की ब्रेड, बटर, ये सारी आइटम्स जो हैं वो उस जनरल स्टोर पर मिलती हैं। फिर उसके अलावा जो सैलून है वो भी क्या कर रहा है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स को। जो ऑप्टिकल शॉप है वो एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रही है, वहाँ पर सिर्फ चश्मे, चश्मे के फ्रेम, उसके ग्लासेस, वो सारी चीज़ें वहाँ पर बिकती हैं। स्टेशनरी शॉप भी जो है वो एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ गुड्स में डील करती है जहाँ पर सिर्फ स्टेशनरी आइटम्स मिलती हैं। जो डेंटल क्लिनिक है वहाँ पर एक डॉक्टर बैठते हैं जिनका नाम है मिस्टर गुप्ता, और वो एक प्रोफेशनल है, वो एक डेंटिस्ट है। उसके अलावा मैंने बताया कि पास में एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में डेफिनेटली बहुत सारे डॉक्टर्स बैठते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हैं जो कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, और उस एम्प्लॉयज़ के कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ हायर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी कुछ टीचर्स हैं जो वहाँ की एम्प्लॉयज़ हैं और उनसे पढ़ने के लिए आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। और जो रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स हैं वहाँ पर भी ईटेबल आइटम्स जो हैं, गुड्स जो हैं वो बेचे जाते हैं, और कुछ सर्विसेज भी, फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज, इस तरह की कुछ सर्विसेज भी वो रेस्टोरेंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों, इस एग्जांपल से मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि एक छोटी सी जगह जो मेरे घर से स्कूल तक है उसमें भी कितने सारे लोगों को मैं रोज देखती हूँ, और वो लोग क्या कर रहे हैं, या तो किसी गुड्स में डील कर रहे हैं या सर्विसेज में डील कर रहे हैं, या कुछ लोग जो हैं जैसे डॉक्टर्स हैं या टीचर्स हैं वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, जैसे सैलून सर्विसेज है या रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं। तो यहाँ पर हम इससे पूरे के पूरे बिजनेस के स्कोप को समझ सकते हैं, क्योंकि वी ऑल आर कस्टमर्स, हम बहुत सारी सर्विसेज अवेल करते हैं और बहुत सारे गुड्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं। तो जिन गुड्स को हम कंज्यूम करते हैं या सर्विसेज को हम अवेल करते हैं वो हमारे पास आती कैसे हैं, जब हम उन्हें खरीदते हैं। और हम उन्हें किन से खरीदते हैं, सेलर्स से खरीदते हैं। तो वो जो सेलर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो उसके प्रोड्यूसर्स भी हों, कोई और है जो उन गुड्स को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के बाद वो मिडिलमैन के थ्रू मार्केट्स में गुड्स को बेचते हैं, और फिर जो मिडिलमैन है उनसे हम प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास पहुँचते हैं। तो इसका मतलब कि प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक जितनी भी एक्टिविटीज हैं दे ऑल आर द पार्ट ऑफ बिजनेस। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो दो ही तरह की होती हैं, या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं या वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि घर के बाहर एक टेम्पल है, तो वहाँ पे जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। और उसके अलावा जो भी मैंने एग्जांपल में आपको लिस्ट प्रोवाइड की द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स और एक्टिविटीज़ की, वो सारी की सारी क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर हो, चाहे वो केमिस्ट शॉप हो, टेलर शॉप हो, हॉस्पिटल हो, इन सब जगहों पर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं वो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब क्योंकि वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलग अलग तरह के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं या तो बिजनेस हैं या फिर प्रोफेशन है या फिर एम्प्लॉयमेंट है, तीनों तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के कहीं कहीं मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। जो वेजिटेबल एंड फ्रूट सेलर है या केमिस्ट शॉप है या टेलर की शॉप है या जनरल स्टोर है, ये सब बिजनेस कर रहे हैं रिलेटेड टू गुड्स। अगर कोई क्लॉथ की आयरनिंग कर रहा है, या जो सैलून है या जो रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी बिजनेस कर रहे हैं रिलेटेड टू सर्विसेज।
और जो डेंटल क्लिनिक है वहां पर डॉक्टर्स हैं या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पर टीचर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। और जो हॉस्पिटल में लोग काम कर रहे हैं या इन दुकानों पर भी बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में कोई काम कर रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, तो वो एम्प्लॉई है उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो किस कैटेगरी में आएगा, एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल और इस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन से हमें क्या समझ में आता है, दैट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर नॉट बिजनेस एक्टिविटीज, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस के अलावा प्रोफेशन भी है और एम्प्लॉयमेंट भी है। तो जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो या तो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक है, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें या तो प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस एक्टिविटीज, जहां पे एक्सपर्ट प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर की जाती हैं, दे आर रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ द मनी, दे आर प्रोफेशनल सर्विसेज, और जहां पर कोई किसी के अंडर काम करता है लेकिन उसका पर्पस है टू अर्न द मनी, टू अर्न द लाइवलीहुड, तो वो सारी एक्टिविटीज आती हैं एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में। तो बिजनेस एक्टिविटीज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद हम एक्चुअली डिफाइन करेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं। उसके लिए सबसे पहले आप डेफिनेशंस देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हैं बिजनेस की। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सबसे पहले मैंने लिखी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन विच पीपल आर एंगेज्ड इन परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न द प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर दिया सर्कल के लिए वो ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये अभी हमने डिस्कस करा, और उसमें क्या करते हैं लोग, तो इसका मतलब कि बिजनेस जो है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है, और लोग क्या करते हैं, परचेज एंड प्रोडक्शन एंड सेल। तो ये अनदर फीचर्स और एलिमेंट्स हैं बिजनेस के। तो परचेज एंड प्रोडक्शन, तो अब ये जो प्रोडक्शन है ये आ गया इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एंड सेल जो आ गया वो आ गया कॉमर्स में, क्योंकि कॉमर्स इज रिलेटेड टू एक्सचेंज। तो यहां पर इस डेफिनेशन में अब ये इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों वर्ड्स जो हैं वो इंक्लूड हो गए, ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न द प्रॉफिट्स। तो रेगुलरिटी ऑफ डीलिंग एंड अर्निंग प्रॉफिट, ये कुछ असेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये जब हम बिजनेस के फीचर्स करेंगे तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा दूसरी डेफिनेशन देखिए, बिजनेस कंप्राइजेस द होल कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। यहाँ पर फिर आ गया कि बिजनेस में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, द प्रोडक्शन एक्टिविटीज एंड द एक्सचेंज एक्टिविटीज। उसके अलावा इस डेफिनेशन में बताया गया है, द बेसिक इंडस्ट्रीज, द प्रोसेसिंग एंड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, द नेटवर्क ऑफ द एंजिलरी सर्विसेज, विच सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड सो ऑन, विच सर्व द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एज अ होल। इसका मतलब कि जितनी भी जो इंडस्ट्रीज के टाइप्स हैं उनके नाम भी यहां पर इस डेफिनेशन में मेंशन कर दिए, द बेसिक इंडस्ट्रीज। तो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, एंड द नेटवर्क ऑफ द एंजिलरी सर्विसेज दैट कम्स अंडर द टर्शियरी इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज भी कई तरह की होती हैं, जहां अलग अलग तरह की प्रोडक्शन की जाती है, उनको भी अभी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, ऑल कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज, दे आर द पार्ट ऑफ बिजनेस विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज। उसके अलावा एक और डेफिनेशन देखिए बिजनेस की, दैट इट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर फिर आ गया बाइंग एंड सेलिंग, तो बाइंग एंड सेलिंग मतलब होता है कॉमर्स, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड।
ट्रेड हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, लोकल ट्रेड एंड द फॉरेन ट्रेड, विद इन द बाउंड्रीज ट्रेड एंड आउटसाइड द बाउंड्रीज ट्रेड, और इस बाइंग एंड सेलिंग को जो भी सर्विसेज फैसिलिटेट करती हैं उनके भी यहाँ पर नाम दे रखे हैं, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो फैसिलिटेट करती हैं बाइंग एंड सेलिंग को। ट्रांसपोर्ट से गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाए जाते हैं, बैंकिंग से मनी का एक्सचेंज होता है, पेमेंट होती है, इंश्योरेंस से रिस्क कवर होते हैं, वेयर हाउसिंग से गुड्स को स्टोर किया जाता है फ्रॉम द टाइम दे आर प्रोड्यूस टिल द टाइम दे आर डिमांडेड, एडवर्टाइजिंग से गुड्स एंड सर्विसेज की पब्लिसिटी की जाती है, उनकी प्रमोशन की जाती है, लोगों तक ये बात पहुंचाई जाती है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनके फीचर्स क्या हैं। तो इसका मतलब कि बिजनेस एक्टिविटीज जो हैं वो सारी इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज, किसी भी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, वो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं। सो बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ दैट आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न द प्रॉफिट्स। तो इसका मतलब नॉन इकोनॉमिक, प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज को छोड़कर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है दे आर द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। सो यू कैन अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, दैट हाउ वाइड इज द स्कोप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। यहाँ तक कि जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ना, जो मैंने बताया जैसे आउट ऑफ लव एंड सिंपथी जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, कल्चरल एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, तो वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। तो डायरेक्टली तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें भी हम जब बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उसमें बिजनेस इन्वॉल्व होता है। या जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं, जब बहुत सारे प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल डिग्री लेके अपना प्रोफेशन प्रैक्टिस करते हैं और उससे वो इन द फॉर्म ऑफ फीस अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। लेकिन उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए भी जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वो बाय एंड सेल करेंगे तो वो इनडायरेक्टली बिजनेस से जुड़े हुए ही हैं। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, जहाँ पर लोग किसी के अंडर काम करते हैं और उनको वेजेस और सैलरीज मिलती हैं, तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हैं तो उन्हें ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है, उनको जो सैलरीज एंड वेजेस मिलती हैं वो बैंक अकाउंट के थ्रू मिलती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज नहीं है, लेकिन उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वो कंज्यूम करते हैं या अवेल करते हैं तो वो भी किस पे डिपेंडेंट है, बिजनेस पर ही डिपेंडेंट है। तो आज के डिस्कशन के बाद आपको बिजनेस एक्टिविटीज की पूरी क्लासिफिकेशन, बिजनेस का मीनिंग, बिजनेस का स्कोप और बिजनेस किस तरह से प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट से डिफर करता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस होता है, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक कंपैरेटिव चार्ट इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का और बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का आपकी बुक्स में दे रखा है। ये कंपैरेटिव चार्ट मैं यहाँ पर भी आपके सामने शेयर कर देती हूँ, इस कंपैरेटिव चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन दोनों कंपैरेटिव चार्ट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डिफरेंट बेसिस पे कंपैरिजन एज वेल एज बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का भी डिफरेंट बेसिस पे कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम लेटर स्टेजेस में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे आपसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे बिजनेस प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट में पूछे जा सकते हैं, तो वो सारे ही क्वेश्चंस आप इन कंपैरेटिव चार्ट्स की बेसिस पे आंसर कर पाएंगे। लेकिन जो टर्म बिजनेस है उसे और डिटेल में हम अभी पढ़ने वाले हैं, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स, वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, तो ये सारे टॉपिक्स हम अपकमिंग लेक्चर्स में आप कवर अप करने वाले हैं।
So see you next time with a detailed discussion on the term business and the topics related to it. Till then, goodbye. Stay healthy and connected.